हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए कलम 47 पेज पे थे, टेंथ क्लास की साइंस हम पढ़े हुए हैं। अभी एमबीडी क्लास एमबीडी की बुक से हम पढ़े हुए हैं। उसमें हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज या फिर अल्कोहल जैसे कुछ कंपाउंड्स हमारे क्या हैं सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते थे क्योंकि वो आयनों में नहीं टूटते थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बच्चों, ये क्या कहेगा आपको। देखो इसके अंदर, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करवा रहा हूँ आपको। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आसूत जल जो है हमारा वो बिजली पास नहीं करता, आसूत जल में विद्युत का चालन नहीं होता। वेयर एज रेन वाटर डज, जबकि वर्षा का पानी कर देता है। क्या कारण है भाई इसका, वर्षा का पानी भी तो शुद्ध माना जाता है बच्चों, लेकिन आसूत जल हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता बिल्कुल प्योर। तो रेन वाटर भी तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, फिर भी रेन वाटर में से करंट पास हो जाता है जबकि आसूत जल में से नहीं होता। क्योंकि देखो वर्षा का पानी ऊपर से नीचे आते आते क्या है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें इन्वायरमेंट से जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, वो मिल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, कुछ एसिड बनते हैं। जैसे अगर CO2 गैस हमारी वाटर से मिलेगी ऊपर से जो रेन वाटर है, तो कौन सा एसिड बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, SO2 गैस की, अगर SO2 गैस मेरी वाटर से मिलेगी आके तो क्या बनेगा भाई, H2SO3, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और इसी तरह से NO2 अगर मैं मिलाऊं तो नाइट्रस एसिड बनेगा मेरा। ये एसिड क्या करते हैं भाई, आयनों में टूट जाते हैं, डिसोसिएट इंटू आयन्स, या आयनों में टूट जाते हैं। देयर फॉर रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वर्षा के पानी में विद्युत का चालन हो जाता है। देर इज नो गैसेज और साल्ट डिजोल्व इन द डिस्टिल वाटर, जबकि डिस्टिल वाटर में साल्ट वगैरह डिजोल्व नहीं होते, और जिसकी वजह से क्या है मतलब ये आयनों में नहीं टूटता, जिसके कारण ये बिजली का विद्युत का चालन नहीं कर पाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखो डायरेक्ट अगर मैं एसिड को लेके आऊँ, देखो सपोज करो मैं ये ले आया नाइट्रिक एसिड, अगर इसमें मैं रोड लगाऊँ या करंट पास करवाऊँ तो डायरेक्ट एसिड में करंट पास नहीं होता। ये मेरे पास HCl है, इसके अंदर डायरेक्ट करंट पास नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसमें एसिड डालूंगा, अब इसमें मैं वाटर डाल रहा हूँ, देखो H2O, जैसे ही मैं वाटर डालूंगा तो वाटर क्या करेगा, H+ और OH- में आयन में टूट जाएगा, और H+ के पास आएगा Cl- और OH+ के पास आएगा क्या, H+, जिसके कारण क्या होगा हमारे पास। अब समझो इस चीज़ को, क्या कहता है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड। पानी क्या है, अम्लों को विघटित करता है, तोड़ता है, जिसके कारण हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर आयन्स नॉट प्रोड्यूस। अब वाटर की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में ये आयन नहीं बनेंगे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। तो वो बिहेवियर ही नहीं दिखाएंगे इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब इनको इंडिकेटर से चेक किया गया, टेस्ट किया गया, तो क्या क्या बातें पता लगी हमें यहाँ पर, शोड द pH, इनके pH क्या क्या मिले भाई, 4, 1, 11, 7 and 9 रिस्पेक्टिवली। ए वाला जो सॉल्यूशन था बच्चों मेरा, उसका जो pH था वो कितना था, 4। बी वाले सॉल्यूशन का pH कितना था भाई, 1। सी वाले का pH कितना था, 11। डी वाले का pH था 7 और ई का pH था 9। अब मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जितना भी 7 से ज़्यादा वैल्यू होती है हमारी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, 7 से 14 तक हमारा बेस होता है, और 7 हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, 7 से नीचे हमारा एसिडिक होता है। 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू कम होगी ना, उतना ही प्रबल अम्ल होगा भाई, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ए मेरे पास न्यूट्रल है, इन्होंने बोला ए न्यूट्रल, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, बताओ कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। जानते हो आप कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, बताओ, फोर्थ वाला, डी वाला ना, जिसका pH 7 है, वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, स्ट्रॉन्गली बेस कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका pH 11 है, वो होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, जिसका pH यहाँ पे देखो 1 है, वो होगा। वीकली एल्केलाइन कौन होगा, बेस है लेकिन वीक बेस है, 9 वाला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इतना ही तो आपको बताना था इसमें बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। भाई मैग्नीशियम रिबन मैंने ले लिया, ये मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास, और मैंने इसको क्या किया, एक बार HCl में रिएक्शन करवाया, एक बार मैंने इसको कहाँ पर रिएक्शन करवाया, CH3COH में। आप जानते हो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH जो हमारा एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो बताओ क्या पूछा गया यहाँ पे आगे इसने,
ये पूछा है अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड्स आर सेम, दोनों की कंसंट्रेशन सेम ले रखी है बच्चों, तो इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग अकर मोर विगरसली, भाई किस में ज़्यादा फुसफुसाहट होगी एकदम से तेज़ी से और क्यों होगी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर विगरसली हमारा क्या होगा, फिजिंग होगी, एकदम से बाहर सोल्यूशन हमारा आएगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉगर दैन एसिटिक एसिड, मैंने बता दिया। मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्विकली, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा और इस तरह की रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम वैन रिएक्ट विद HCl इट प्रोड्यूस द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, दिस इज द वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली मैग्नीशियम वैन रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इज फॉर्म द मैग्नीशियम एसिटेट एंड हाइड्रोजन गैस, बट दिस रिएक्शन इज सम स्लो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा रिएक्शन करेगा, वीक एसिड हमारा स्लो रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज़ ए पीएच ऑफ 6, ताज़े दूध का मान पीएच मान कितना होता है बच्चों, 6 होता है। हाउ डू यू थिंक दैट द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू द कर्ड, आप क्या बताओगे कि जब ये दूध से दही में बदलता है दूध हमारा तो क्या इसका पीएच क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी जानते हैं एसिड के पीएच क्या हैं, कम होते हैं। वैन जब हमारा ताज़ा दूध पीएच मान 6 रखता है तो इसका जो जब हम इसको क्या करेंगे दही में बदलेंगे तो इसका पीएच मान कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि दही के अंदर क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा मोर इज द एसिड, जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ही कम पीएच होगा उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, एक दूध यह क्या करता है ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, NaHCO3, जिसको आप सिंपल भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। जब दूध यह क्या करता है इसको इसके दूध के अंदर ये मिलाएगा तो क्यों मिलाएगा, वो आप जानते हो ये बेस होता है ना। तो फ्रेश मिल्क क्या होता है हमारा, फ्रेश मिल्क इज एसिडिक ऑन बिकमिंग सोर इट बिकम्स मोर एसिडिक, भाई फ्रेश मिल्क हमारा 6 पीएच रखता है तो इसका मतलब 7 से कम है तो एसिडिक है वो नेचर में, और जितना ज़्यादा वो खट्टा होता जाएगा उतना ही एसिडिक पावर उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा हम इसमें मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाने से वो जल्दी खट्टा नहीं होगा और उसकी पीएच वैल्यू जो है इतनी जल्दी स्लो डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट पोर्शन क्या कहता है, व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट इट्स कर्ड, इस प्रकार का दूध दही बनने में भी ज़्यादा समय लेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया पीएच वैल्यू हमारी इसकी क्या है, कम है जब इसमें लैक्टिक एसिड है, बट इसमें जो बेकिंग सोडा हमने मिला तो इसकी पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा वो। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या है, आर्द्रतारोधी बर्तनों में रखना जरूरी होता है, आर्द्रतारोधी का मतलब नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, नमी से युक्त नहीं होने चाहिए वहाँ पर रखा जाता है इसको, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्यों आप जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट, और जब ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट से और ये जिप्सम बना देता है एक आर्ड मास, जिसके बाद ये फिर काम का नहीं रहता। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको मैं बता चुका हूँ रिएक्शन वाले पोर्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, हर टाइम हमारी बॉडी में रिएक्शन चलती रहती है क्योंकि जब कोई एसिड हमारा बेस से रिएक्शन करता है तो वाटर और साल्ट बनता है, वैन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस इट फॉर्म द वाटर एंड साल्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन के एग्जाम्पल आप दो याद कर लें, दो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आफ्टर द रिएक्शन इट गिव्स यू साल्ट एंड वाटर, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड आफ्टर द रिएक्शन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो ये देखो हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया, बाकी करते हैं कल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।